हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस, मैं फिर दोबारा से आपके लिए गाइस क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट है गाइस आपका, जैसे आप देख सकते हैं, ईटी मनके तथा अस्थियां। और इस चैप्टर का केवल नाम ही चेंज हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता हो चुका है। और इस चैप्टर का गाइस आपको बता दूं, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का वन पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक है, पहले आप वो देखिए, देन आप सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी गाइस आपको समझ में आ पाएगा कि हम सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस फर्स्ट चैप्टर में हम मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कैसे उसकी खोज हुई, ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले गाइस, समझने से पहले हमें जो है एक बार अपना मुख्य बिंदु को देख लेना चाहिए कि अभी हमने क्या पढ़ लिया है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, भारत की सबसे नगरीय सभ्यता है, ठीक है, जिसका कालखंड हम कितना मानते हैं, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। इसकी खोज किस तरीके से होती है वो भी पढ़ चुके हैं। हड़प्पावासी किस तरीके से जीवन निर्वाह करते थे ये हम पढ़ चुके हैं। अब बचा कौन सा टॉपिक, मोहनजोदड़ो वाला। मोहनजोदड़ो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसमें मेनली गाइस हम मोहनजोदड़ो में दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग किसे बोलते हैं, निचला शहर किसे बोलते हैं, क्या था, क्या इनकी विशेषताएं थी, दोनों में क्या अंतर थे। और मोहनजोदड़ो को यहाँ पे पढ़ने का मेन मतलब ये है कि हम हड़प्पा सभ्यता की गाइस नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है, नगर नियोजन प्रणाली के बारे में जान पाए। जी हाँ बिल्कुल, नगर नियोजन प्रणाली क्या होती है। नगर नियोजन प्रणाली का मतलब है किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में नगरों को बसाया जाता था, घर किस तरीके से बनाए जाते थे, गलियां किस तरीके से बनती थी, सड़कें किस तरीके से बनती थी। तो मोहनजोदड़ो को गाइस जब हम पढ़ते हैं तो उसकी हम नगर नियोजन पद्धति को जान पाते हैं, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। तो इसलिए हमें मोहनजोदड़ो को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आता है बता दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस हम हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई सामाजिक भिन्नताएं थी या किस थी, तो किस तरीके से उसको इतिहासकार पता लगाते हैं। आर्थिक भिन्नताओं को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। मेनली यहाँ पे हम विलासिता और सावधान की वस्तुओं की बात करेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम उनका जो है शिल्प उत्पादन कार्य के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से शिल्प उत्पादन कार्य होता था, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। और थर्ड पार्ट में हम थोड़ा सा आर्थिक व्यवस्था के बारे में और देखेंगे कि हड़प्पावासी किस तरीके से व्यापार करते थे, कहाँ कहाँ से उनका व्यापार होता था। थर्ड पार्ट में हम ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब हम अपने सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ से अब हम शुरू कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट। यहाँ से मेनली गाइस हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे और इसी को पढ़ के जो है गाइस हम यहाँ की नगर नियोजन पद्धति के बारे में जान पाएंगे। नगर नियोजन पद्धति का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, तो पढ़ते पढ़ते मैं आपको और भी समझा दूंगा। तो थोड़ा सा एक बार यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे गाइस हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये आपकी मेसोपोटामिया मिस्र की और चीन की सभ्यता से भी पुरानी है और ये भारत की सबसे नगरीय सभ्यता है, राइट। और इस सभ्यता के बारे में जो सबसे पहली बार हमें जानकारी मिली थी वो हड़प्पा नामक जगह से मिली थी, जो आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, राइट। और इसी वजह से वह सभ्यता का नाम क्या पड़ गया था, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। और दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। और दूसरा स्थल मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता की जब हम खोज के बारे में बात कर रहे थे, किस तरीके से क्रमिक रूप से इसकी खोज हुई थी, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि राखालदास जो बैनर्जी होते हैं 1921 में क्या करते हैं, भारतीय पुरातत्वविद, वो इस सभ्यता के दूसरे स्थल को खोज निकालते हैं, जो कौन सा होता है गाइस आपका, मोहनजोदड़ो होता है। तो हम इसी के बारे में गाइस हम बात करने वाले हैं, जो इस सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थल था, ठीक है। इसी से गाइस हम इस सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति का पता लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो गाइस हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक विकसित शहरी केंद्र था, मैंने आपको बताया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरी विकसित केंद्र थे, एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। और ये जो था वह दूसरा खोजा गया महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और ये कि नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित शहरी केंद्र का मतलब क्या होता है पता है नहीं जी, अब बता देता हूँ। नियोजित शहरी केंद्र का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नगर थे, यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थी, गलियां किस तरीके से बनी हुई थी, नालियां किस तरीके से बनी हुई थी, सारी चीजें जो थी प्री प्लान के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, मतलब उसके लिए पहले योजना बनाई गई थी, तब जाकर जो था यहाँ पे इन चीजों का निर्माण किया गया था। इसी वजह से इसको हम एक नियोजित शहरी केंद्र मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं हम मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का गाइस शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है गाइस, मृतकों का टीला, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उस तरीके से आप लिख देना जी, बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और विशेषता की इसकी। तो मोहनजोदड़ो क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे मुख्य शहरों में से एक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, जिससे अधिक जानकारी हमें मिल जाती है इस सभ्यता के बारे में। और आज जो है गाइस ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। जी बिल्कुल, आज ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत से आजाद अलग हो चुका है 1947 में, ठीक है।
और यहाँ बस्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। बस्तियों का मतलब है कि जहाँ पे नगर थे, नगर जो सिटीज थी उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे मान के चलो आपकी सिटी में कोई रिच लोगों के लिए अलग सा पार्ट बना देगा, एक पुअर लोगों के लिए अलग सा पार्ट बना देगा। तो इस तरीके से कह लीजिए यहाँ पे जो था सिटी को दो हिस्सों में बांटा गया था। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको चित्र दिखाऊं, अब बोलोगे ये तो हमारी बुक का चित्र ही नहीं है, ये जो है मैंने गूगल से लिया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक शहर ऐसा था गाइस जिसे हम निचला शहर बोलते थे सिटी का, एक दूसरा पार्ट सिटी का जो था गाइस हम उसे दुर्ग बोलते थे। अब ये क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले आप चित्र के माध्यम से समझ लो। आप ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से अगर देखोगे आप ध्यान से तो कुछ घर ऐसे बने हुए हैं गाइस, ये ढंग से आपको इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि खुदाई के बाद जो था नष्ट हो चुके थे। तो जो हमें मिले हैं उसी के आधार पर हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाते। तो कुछ एरिया में जो था सिटी के कुछ घर ऐसे हिस्से में बसे हुए थे जो निचले इलाके में पड़ जाते थे, तो उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, उतने भाग को जहाँ पर घर जो थे नीचे निचले हिस्से में थे सोसाइटी के, उनको हम निचला शहर बोलते हैं। दूसरे गाइस कुछ घर ऐसे थे इस सोसाइटी के अंदर जो ऊंचे भाग पर बसाए गए थे, जो आकार में थोड़े छोटे क्षेत्र में बसे हुए थे, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे चित्र के अंदर कि कुछ हिस्से जो हैं थोड़े ऊपर की तरफ बसे हुए हैं और कुछ एरिया के अंदर घर क्या है नीचे की साइड में बसाए गए। तो जो नीचे की साइड में घर बसे होते थे उनको निचला शहर, और जो ऊपर की साइड में घर बसे होते उनको क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। जी बिल्कुल, यहाँ से समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे निचला शहर और दुर्ग में क्या अंतर था, तो वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो निचला शहर जो था गाइस आकार में दुर्ग से बड़ा होता था। जैसे कि अगर मैं आपको चित्र में दोबारा से दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ऊंचाई पर कितने छोटे कम हिस्से में घर बना रखे हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से के अंदर कितने सारे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो निचला शहर जो था भाई वो क्या था, दुर्ग से काफी आकार में बड़ा था। ठीक है, ये जो था गाइस मिट्टी के चबूतरों पर बसाया गया था। पहले मिट्टी के कुछ इस तरीके से चबूतरे बनाए जाते थे, उसके ऊपर जो था घर बनाए जाते थे ताकि वो जो है नींव का कार्य कर सके, मतलब ज्यादा लंबे समय तक जो है घर वो टिके रहे, मजबूती से बने रहे। ठीक है, और इसे चारों तरफ से जो था गाइस दीवारों से घेरा गया था तथा मुख्यतः सामान्य आम लोगों के लिए बनाया गया था। जो निचला शहर था ना, मैंने आपको बताया निचले एरिया में जो घर बसे हुए थे, पहले चबूतर बनाए जाते थे, चबूतरे इस तरीके के उनके ऊपर घर बनते थे और उनको क्या होता था, पूरे शहर को चारों ओर से दीवारी से घेर दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो समझ गए यहाँ से आप। दूसरा पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ घर जो थे गाइस वो भूमि तल पर बने हुए थे, मतलब कुछ के लिए जो था हमने चबूतरे नहीं बनाए थे और कुछ के लिए जो था हमने निचले शहर में चबूतरे बना रखे थे। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के अंदर। यहाँ से समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ से तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं हम जल निकासी प्रणाली के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जल निकासी प्रणाली, डायरेक्टली चार नंबर पे इस पे क्वेश्चन आ जाता है। पहले इसका मतलब समझो कि जल निकासी प्रणाली किसे बोलते हैं। तो जल निकासी प्रणाली का मतलब है कि जैसे हमारे घर का गंदा पानी नालियों में जाता है, फिर नालियों का पानी बाहर के शहर के बड़े नाले में जाके मिल जाता है, उस तरीके से हम गली में सफाई का वातावरण बना के रखते हैं ताकि मच्छर ना पनपे। ठीक है, पानी का बंदोबस्त अच्छे तरीके से हमने जहाँ पे किया होता है, ठीक है, उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, जल निकासी प्रणाली बोलते हैं। मतलब जल जो है अच्छे तरीके से गंदा पानी शहर से बाहर जा सके ताकि वो वहां पे जो है स्वच्छता का वातावरण बना रहे। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा वासियों ने जो था इस तरीके की व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था किस तरीके से की हुई थी अपने शहर के अंदर। तो ये जो है गाइस हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता में से एक मानी जाती है। क्या, जल निकासी प्रणाली जो है बहुत ज्यादा मुख्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे ही ढंग से गाइस वहां पे जल निकासी के लिए प्रबंध कर रखे थे। जैसे यहाँ सड़कों तथा गलियों को गाइस एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ठीक है, अब ग्रिड पद्धति क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप नाम जान लीजिए। सड़कों और नाली को किसमें बताया गया था, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, किस पे काटते थे गाइस, समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री के एंगल पर काटते थे। जैसे मान के चलो ये नालियां जा रही है और उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से गलियां बनाई जाती थी और ये क्या करती थी गाइस, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये जो गली और नाली बनाने की व्यवस्था थी, जो टेक्निक थी, उसी को हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। समझ गए, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। ठीक है, और फिर उनके अगल बगल में जो था गाइस आवासों का निर्माण किया गया होगा। इतिहासकारों ने जब इस हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई की तो उन्होंने खुदाई में ये पाया कि यहाँ पे पहले जो था नालियां बसाई गई थी, नालियों के साथ में क्या था, गलियां बसा रखी थी। ठीक है, बड़ी बड़ी गलियां थी और गली के साथ में जो था गाइस घर बसा रखे थे। ठीक है, अब क्यों बसा रखे थे, क्योंकि जो गली का जो घर का गंदा पानी है वो डायरेक्टली जो था गली की नालियों में
जा सके। कहीं ना कहीं जो होता है सफाई को जो होता है काफी ज्यादा महत्व देते थे। और इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदड़ो में इन सड़कों को इस तरह बसाया गया था कि वो हवा के जरिए ही अपने आप साफ हो जाती थी। मतलब काफी चौड़ी चौड़ी गलियां होती थी कि अगर उनपे कोई कूड़ा कचरा भी रहता था ना, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो आपके एरिया में लोग सफाई करते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा था। इन्होंने कुछ इस तरीके की गलियां बना रखी थी काफी चौड़ी चौड़ी कि हवा चलने से वहां पे मानव के बल प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती थी सफाई के लिए, बल्कि ऑटोमेटिकली वो अपने आप साफ हो जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग थे ये, कि इस तरीके की व्यवस्था भी इन्होंने उस टाइम पीरियड में विकसित कर रखी थी। और नालियों व गलियों का निर्माण काफी नियोजित ढंग से किया गया था, प्लानिंग के साथ किया गया था। सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे अपने आप गलियां साफ हो जाएगी, ठीक है, और वहां पर सिंपल सी बात है काफी ज्यादा प्लानिंग करके ही इस तरीके की व्यवस्था कायम की गई होगी, ठीक है। और गली की नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से उन्हें बचाया जा सके। जैसे नालियां मैंने आपको बताया ना ग्रिड पत्ती में बसी होती थी, तो उनको क्या करते थे, ईंटों से ढक देते थे, छोटी छोटी ईंटों से या पत्थरों से ढक देते थे ताकि उनमें गंदगी ना जाए। गंदगी जाएगी तो क्या होगा, उससे मच्छर पनपे में और बीमारियां फैलेगी, फिर उनको बार बार सफाई करनी पड़ेगी। तो इन सारी मुसीबतों से बचने के लिए क्या करते थे, उनको ढक देते थे ईंटों से, ठीक है। और प्रत्येक घर की नालियों को गाइस गली की नालियों के साथ जोड़ा गया था ताकि घर का सारा गंदा पानी जो है नाली में जा सके। जैसे मैंने बताया ना ये घर है, उसके साथ में नाली होती थी, फिर गलियां होती थी, फिर क्या होता था घर का गंदा पानी डायरेक्टली नालियों में चला जाता था ताकि घर में भी जो है गंदा पानी जमा ना हो सके, ठीक है। और गली की नालियों को शहर के बाहर एक बड़े मुख्य नाले से जोड़ दिया जाता था ताकि शहर में जो था गाइस स्वच्छता का वातावरण बनाया रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो था कहीं ना कहीं अपने एरियाज के अंदर जो था उस टाइम पीरियड में स्वच्छता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि इनको पता था कि स्वच्छता जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा हम अच्छे से रह पाएंगे और हमें जो है कोई बीमारियां नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं जो था इस तरीके का इनका माइंडसेट था, इसी वजह से जो था ये स्वच्छता को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। आज के टाइम पीरियड में आप समझ सकते हैं कि कब जाके हम स्वच्छता का महत्व समझे हैं 21वीं शताब्दी में आके, राइट। और ये जो लोग थे 2600 ईसा पूर्व में इस महत्व को जान पाए थे कि स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से गाइस थोड़ा सा हमें इनके बारे में पता चलता है कि कितने टैलेंटेड लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। और वर्षा जल निकासी के लिए भी गाइस जो था विशेष प्रबंध किए गए थे, मतलब अगर बारिश आती थी तो बारिश का सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है, उसके लिए भी जो था प्रबंध करके रखते थे। तो यही है गाइस इनकी जल निकासी प्रणाली। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि पहले जो था ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो था नालियां बसाई थी, नालियों के साथ गलियां बसाई, फिर उसके साथ में जो था इन्होंने घर बनाए थे ताकि जो घर का गंदा पानी है डायरेक्टली नालियों में जा सके। और नालियों को ईंटों से ढका जाता था और नालियों और गलियों को क्या था एक ग्रिड पद्धति में बसाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और ऐसा क्यों करते थे, ताकि शहर में जो है स्वच्छता का वातावरण बना रह सके। और ये जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है, क्या, उसकी जल निकासी प्रणाली। तो इस पे कई बार डायरेक्टली 4 नंबर में ना क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, तो इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे आंसर लिख देना होता है, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं गाइस गृह स्थापत्य के बारे में। तो गृह स्थापत्य का मतलब होता है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मेनली मोहनजोदड़ो में जो था घरों को किस तरीके से बनाया जाता था, तो ये हम समझेंगे गृह स्थापत्य में। तो मोहनजोदड़ो के हर घर में जो होता था गाइस बड़े बड़े आंगन होते थे। आंगन को आप इंग्लिश में बोल देते हो बरांडास, ठीक है, जो थोड़ा सा एरिया छोड़ा रहता है ना घर के अंदर, जिन्हें हम आंगन या बरांडास बोलते हैं। तो उस टाइम पीरियड में क्या करते थे हड़प्पावासी, आंगन के लिए जो था कुछ जगह अपने घर में छोड़ देते थे और प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली बना दी जाती थी, जो कि हम जल निकासी प्रणाली में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि घर के जस्ट बाहर क्या होती थी, नाली होती थी, ताकि गंदा पानी उसमें जा सके। आंगन के चारों तरफ गैस कमरों का निर्माण किया गया था जिसमें खाना पकाया जाता था और अन्य कार्य किए जाते थे। जैसे मान के चले घर बनाया गया, उसके आसपास जो है कमरे हैं और उनके बीच में क्या करते थे गाइस आंगन छोड़ देते थे ताकि उस आंगन का जो यूज है वरांडा का किसी काम के लिए वो कर सके, ठीक है। और भूमि तल पर बने कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी तथा दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। मैंने आपको बताया ना कुछ घर तो ऐसे थे जो चबूतरों पे बनते थे और कुछ घर ऐसे थे जिनके लिए चबूतरे नहीं बनाए जाते थे बल्कि डायरेक्टली भूमि के ऊपर वो घर बना दिए जाते थे। तो जो घर गाइस डायरेक्टली भूमि पर होते थे उनमें क्या होता था गाइस खिड़कियां नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, जैसे हमारी खिड़कियां होती ना घर के अंदर वो उसमें नहीं होती थी, ताकि ये जो था अपनी गोपनीयता जो होती है ना, सॉरी प्राइवेसी जो होती है उसको कहीं ना कहीं बनाए रख सके। मतलब ये कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति जो है इनके घर में ताकझाँक करता हुआ जाए, ठीक है। और हर घर में गाइस पक्की ईंटों का बना हुआ एक स्नान घर होता था जिसे हम वॉशरूम बोल देते हैं, ठीक है, नहाने वाला स्नान घर वो होता था। और स्नान घर की नालियां गाइस बाहर की नालियों से जोड़ दी जाती थी। क्यों जोड़ी जाती थी, ताकि उसका गंदा पानी जितना भी होगा वो बाहर नाली में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
और कुछ घरों में तो गैस छत पर जाने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां भी बनाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो था स्टोरे में यानी कि मंजिलों के रूप में भी इस टाइम पीरियड में मकान बनाया करते थे, तो कितने डेवलप थे। इसी वजह से गैस हम इनको क्या बोलते हैं, शहरी या नगरीय सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। और कुछ घरों में गैस कुछ कुएं भी पाए गए हैं जिसका प्रयोग बाहर से आने वाला राहगीर कर सकता था। और इस तरह मोहनजोदड़ो में एक अनुमान के अनुसार लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो क्या करते थे कि घर के जस्ट बाहर क्या करते थे, कुछ इस तरीके के कुएं बना देते थे। ये भी मैंने आपका गूगल से चित्र लिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके के कुएं बना देते थे ताकि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको प्यास लग रही है, तो वो बाहर से आकर जो है डायरेक्टली इन कुओं से पानी निकाल के पी सके। जैसे हम क्या करते हैं, अमीर लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपने घर के बाहर प्याऊ लगवा देते हैं, राइट, या इलेक्ट्रिक मशीन लगा देते हैं जहां से हम ठंडा पानी पी लेते हैं कहीं भी लगी होती है। तो ये भी सेम उस तरीके के रूल अपनाते थे, कुएं बनवा देते थे जहां से कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला पानी पी सकता था। तो आपने देख लिया गृह स्थापत्य के बारे में कि घर किस तरीके से बनते थे, ठीक है। वरांडा होते थे, खिड़कियां होती थी, भूमि तल में बने हुए घर पर खिड़कियां नहीं होती थी, सॉरी स्नान घर होता था जिसकी नाली कहाँ होती थी, गली की नालियों से जुड़ी होती थी, घर के बाहर कुएं होते थे। तो उस तरीके से वहां पर जो था घरों को डिजाइन किया जाता था। अब बात कर लेते हैं गाइस हम अपने दुर्ग के बारे में। अभी तो हमने गाइस बात करी अपने निचले शहर के बारे में, तो अब हम बात करेंगे इस दुर्ग के बारे में जो ऊपरी क्षेत्र में बसाया गया था, जो कि छोटे आकार में बसा हुआ था। तो दुर्ग जो है गाइस आकार में थोड़ा छोटा होता था जो ऊंचाई पर बनाया गया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि छोटे एरियाज के अंदर ये फैला हुआ था दुर्ग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इतना थोड़ा सा ऊपर की साइड में घर बने हुए हैं, ये क्या है, दुर्ग है, जो छोटे एरिया के अंदर बने हुए हैं और ऊंचाई पे बनाए गए, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनको डिटेल में। तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि आकार में जो होता था छोटा छोटा होता था और ऊंचाई पर बसाया गया था, और इसे भी गाइस चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, खेला नहीं गया था, घेरा गया था। संभवतः इसमें शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। यहाँ से मिले कुछ पुरातात्विक साक्ष्य इस बात का संकेत करते हैं। जब इतिहासकारों ने खुदाई की तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली गाइस जिससे उनको ये लगा कि यहाँ पे जो था कुछ संपन्न वर्ग या शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। हालांकि शासक के बारे में आज तक हम ये कोई भी प्रूफ नहीं दे पाए कि यहाँ पे कोई राजा महाराजा भी थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिली है जिसके आधार पर ये बातें वो बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचे ऊंचे एरिया पे जो घर बनाए गए थे उसमें अमीर या संपन्न वर्ग के लोग कह लीजिए रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिली जो पुरानी चीजें हैं वो इस बात का प्रमाण देती है, ठीक है। और यहाँ पर मिले कुछ जो पुरातात्विक स्रोतों से अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की वस्तुओं का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता होगा, यानी कि जो ऊंचे शहर में जो नगरों में जो चीजें मिली हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज में लाई जाती थी। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें मिली है जिनका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता था, जैसे आपका एक माल गोदाम मिला है, दूसरा मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में समझिएगा। तो माल गोदाम क्या है, ये एक बड़े आकार का गाइस क्या होता था, अनाज गोदाम होता था, ठीक है, अनाज का गोदाम होता था, स्टोरेज जहां संभवतः अनाज को रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो था इसके ऊपर के हिस्से लकड़ी के बने हुए थे और नीचे के हिस्से जो था ईंटों के थे, और आंधी तूफान आने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर के हिस्से जो थे वो टूट गए थे। माल गोदाम के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हम अपने विशाल स्नानागार के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होती है बोलने में, वो स्नानागार को स्नानाघर भी बोल देते हैं, स्नानाघर बोल देते हैं। तो स्नानागार अलग है, स्नानाघर अलग है। स्नानाघर कह लीजिए एक तरीके से वॉशरूम, और स्नानागार एक अलग चीज है, ठीक है, जिसमें इतिहासकारों को मतभेद है कि एक्चुअल में इसका यूज किसके लिए होता होगा। तो आप डिटेल में एक बार अभी से पढ़ लेते हैं कि विशाल स्नानागार क्या है ये। तो यह दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, ठीक है, एक पोर्ट कह लीजिए, पुल कह लीजिए, कि आयताकार क्या है, जलाशय आप देख सकते हो, रेक्टेंगुलर टाइप में इसे बसा रखा है, जो चौड़ाई में कम है और लंबाई में ज्यादा है, रेक्टेंगल इसी तरीके से तो होता है ना। तो ये क्या है गाइस, आयताकार बना हुआ एक जलाशय है। ये भी मैंने चित्र आपका गूगल से लिया ताकि जो है गाइस मैं आपको एक अच्छी नॉलेज यहाँ पे दे पाऊँ। आप देख सकते हो इस तरीके से इसको बसा रखा है, ठीक है, जो चारों तरफ से बरामदे से घिरा हुआ था। इसके चारों साइड में क्या था गाइस, वरांदास थे, जैसे आप देख सकते हो छोटी छोटी जगह छोड़ रखी है, वरांदास थे, ठीक है। और दुर्ग पर ऐसे बहुत से गए स्नानागार के अवशेष मिले हैं, ऐसा ये एक नहीं है बल्कि इसके जैसे कई हमें जो है दुर्ग में ऐसे स्नानागार इतिहासकारों को खुदाई के टाइम पाए गए हैं, ठीक है। और इन्हें गाइस ईंटों तथा जिप्सम का प्रयोग करके बनाया गया था। आप देख सकते हो कि ईंटें यूज कर रखी है, और आप इसको ध्यान से देखोगे तो कितने अच्छे तरीके से ईंटों को सेट करके लगाया हुआ है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति एकदम से नहीं कर सकता, ऐसे काम के लिए हमेशा प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से ईंटों को यहाँ पे सजा के लगा रखा है, ठीक है।
और शायद जो था जिप्सम का प्रयोग करके भी बनाया जाता है, ईटों का और जिप्सम का प्रयोग करके। जिप्सम क्या होती है, आज के टाइम पे जो पीओपी देखते हैं ना घरों में, व्हाइट वॉल जो कराई जाती है, व्हाइट पुट्टी, तो उसी तरीके का जिप्सम हुआ करती थी, जिसका प्रयोग करके जो था ये इस विशाल स्नानागार का निर्माण करते थे। और इनके तल में जाने के लिए गाइस इसके उत्तरी व दक्षिणी भाग में सीढ़ियां भी बनाई गई, जैसे आप देख सकते हैं सीढ़ियां हैं अंदर जाने के लिए उत्तरी भाग में, ठीक है, एक इस तरफ में है दक्षिणी भाग में। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता था, गाइस स्नानागार में सीढ़ियां भी बनाते थे। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे इसमें, और एक अनुमान के अनुसार इनका प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान पर नहाने के लिए किया जाता होगा। तो विद्वानों ने ऐसा माना है कि जो बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते थे ना, इनका उपयोग क्या करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पर्व होते थे, धार्मिक उत्सव होते थे, जहां पर वो उस धार्मिक उत्सव पर इसमें नहाने जाया करते थे। जैसे आज के टाइम पे मान के चलिए, आपको पता है कि छठ पूजा जो होती है वहां पे क्या क्या होता है, सेम टू सेम इस तरीके से होता है कि एक बहुत बड़ा सा हम जलाशय बनाते हैं जिसमें पानी डाल के स्त्रियां क्या करती हैं, सूरज भगवान की पूजा करती है, राइट, उसके अंदर पानी इकट्ठा करके उसके अंदर जाती हैं। तो इतिहासकारों का भी यही मानना है कि इस तरीके के कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, ठीक है, जहां पर लोग इस तरीके के जलाशयों में नहाने जाते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि इनका उपयोग इसके लिए किया जाता होगा। इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा गया था जो एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती थी। अब इनकी जो इनको क्या करते थे, एक नालियों से जोड़ देते थे ताकि इनका जो सारा गंदा पानी है वो कहाँ जा सके, एक बड़े नाले में जाकर मिल सके। और वो जो बड़ा नाला होता था वो डायरेक्टली शहर के बाहर जाकर मिलता था, ताकि शहर में जो था ये स्वच्छता का वातावरण बना के रख सके। तो यही है गाइस सिंपल सा आपका विशाल स्नानागार। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, बुक में थोड़ा सा आपको इसको घुमा के दिया हुआ है, ज्यादा घूमना नहीं है, सिंपल है कि दुर्ग के आंगन में बना हुआ आयताकार जलाशय था जिसे चारों ओर से बरामदा से घेरा हुआ था, आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके उत्तरी दक्षिणी भाग में जो था सीढ़ियां थी, और इसे ईंटों का जिप्सम का प्रयोग करके बनाया गया होगा। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका यूज जो था किसी धार्मिक कार्य के लिए जो था, धार्मिक अनुष्ठान पर नहाने के लिए यूज इसका किया जाता होगा। सिंपल है ये विशाल स्नानागार। और दोबारा आपको बता रहा हूँ, उसको विशाल स्नानागार नहीं बोलेंगे, विशाल स्नानागार बोलेंगे। स्नानागार अलग है, स्नानागार अलग है, ठीक है। अब यहाँ से गाइस क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है जो भी हमने अभी तक पढ़ा, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, ये कैसे था, इस बात की पुष्टि कीजिए, या हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। जो मैंने आपको बताया ना किस तरीके से जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, इस तरीके से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली 8 नंबर में कई बार ये आता है, ठीक है, ये आपकी बुक की फर्स्ट लाइन है। जैसे आप मोहनजोदड़ो को पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी फर्स्ट लाइन है ये वाली, और डायरेक्टली लाइन उठा के दे देते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। तो इसको आपको सिद्ध करना होता है, फिर आप प्रॉपरली बताते हो उसमें कि निचले शहर के बारे में, ठीक है, दुर्ग के बारे में, फिर गृह स्थापत्य के बारे में, स्नानागार के बारे में, सबको आपको डिटेल में बताना होता है। और इस तरीके से आपका जो आंसर ये पूरा हो जाता है। अगर बीच बीच में से पूछता है तो आप बता सकते हो। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, 1 नंबर में अगर पूछा जाता तो आप बता देना। अब यहाँ से हम बात करेंगे सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब इसको जानने से पहले आप मतलब समझिए कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसके अंदर हम मेनली ये जानने वाले हैं क्या हड़प्पा समाज में जो था सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कुछ भिन्नताएं थी, मतलब समाज में क्या सभी लोग अमीर थे या सभी लोग जो था आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ अलग थे। सिंपल सी बात है, हर समाज में ऐसा तो नहीं होता आपकी सोसाइटी में कि सभी लोग अमीर हो, राइट, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं। किसी को समाज में काफी ज्यादा वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस देते हैं लोग, किसी के समाज में ज्यादा वैल्यू नहीं होती। आज के टाइम पे भी हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता पाई जाती है, राइट। तो इतिहासकार इसी भिन्नताओं को जानने के लिए, इसी डिफरेंस को जानने के लिए जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस तरीके को, इन भिन्नताओं को हम किस तरीके से पता लगा पाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए इतिहासकार शवाधान और विलासिता की वस्तुओं का यूज करते हैं। दोनों क्या है डिटेल में अभी हम बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में गाइस हमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं की जानकारी शवाधान एवं विलासिता की वस्तुओं से मिलती है। शवाधान, हड़प्पा सभ्यता में व्यक्तियों का अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता था तथा कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई है तथा कुछ सामान्य कब्र भी पाई गई है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि कुछ कब्रें जब व्यक्ति को दफना दिया जाता था तो कुछ कब्रों को क्या कर दिया जाता था, अच्छे तरीके से ईंटों से चिनाई करके उसको प्रॉपर पैक कर दिया जाता था। जैसे आज के टाइम पे अगर कब्रिस्तान में आप जाओगे तो कुछ कब्रें बहुत अच्छे अच्छे पत्थरों से जो है पूरी तरीके से पैक करी जाती है ताकि उसकी कोई खुदाई करके जो है मृत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा सके, इस तरीके से होती है, अच्छे सजा रखी होती है। जबकि कुछ कब्र क्या होती थी, उस पर कोई चिनाई नहीं की जाती थी, बस डायरेक्टली मुर्दे को दबाया और उस पर मिट्टी डाल दिया, कुछ इस तरीके से उसको रख देते थे उसके अंदर, ठीक है। तो यही बताने का प्रयास किया गया, कुछ कब्र जो पाई गई है उन पर चिनाई की गई है अच्छे से, प्रॉपरली उसको अच्छे से कवर किया गया और कुछ कब्र को ऐसे छोड़ दिया गया। और कब्र में व्यक्तियों के साथ गैस मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी दफना दिए जाते थे, क्योंकि हड़प्पावासी किसमें पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जी बिल्कुल, उनका ऐसा मानना था
ये व्यक्ति को जो है मरने के बाद इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को जीते हुए जो चीजें यूज करता है वो मरने के बाद हमें उसके साथ दफना देनी चाहिए। इस तरह की कब्र से तांबे के दर्पण, मन के तथा आभूषण मिले हैं जो उन व्यक्तियों की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। यानी कि कुछ कब्र में क्या है, व्यक्तियों के साथ तांबे के दर्पण, मन के आभूषण दफनाए गए हैं, गहने दफनाए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति के साथ गहने दफनाए गए हैं, तांबे के दर्पण दफनाए गए हैं, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से मजबूत था। मतलब उसके पास इतनी धन दौलत थी, इतना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग था कि वो इन सारी चीजों को अफोर्ड कर सकता था। तो जिन व्यक्तियों के साथ ये चीजें पाई गई हैं उसी से गाइस हमें उनकी क्या है आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं दूसरा विलासिता की वस्तुएं। अब बात कर लेते हैं जब अपनी विलासिता की वस्तुओं के बारे में कि विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप यही जानेंगे तो विलासिता की वस्तुएं जो है पुरातत्व विद द्वारा जो है दो श्रेणियों में बांटा गया। मतलब विलासिता की जो वस्तुएं दो कैटेगरी में बांट के हम पढ़ते हैं, जिसमें एक सामान्य वस्तु है तथा दूसरी विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं कह लीजिए वो वस्तुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती हैं, जिन्हें बनाना आसान नहीं होता, जो आसानी से ना मिल पाए, जो काफी ज्यादा कॉस्टली हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं। नॉर्मल वस्तु तो नॉर्मल ही होती है। ठीक है, तो सामान्य वस्तुओं में रोज प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें चक्कियां, बर्तन तथा जावा आदि जो है सुई भी शामिल की जाती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो आसानी से हमें मिल जाती थी, जो वो नॉर्मल चीजें मानी जाती थी, जैसे चक्की हो गई, बर्तन हो गए, जावा हो गया, सुई होगी, ये क्या होती थी नॉर्मल चीजें होती थी। और इन वस्तुओं को गाइस पत्थर से तथा मिट्टी से या सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और ये आसानी से सभी जगह पर उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि इन्हें क्या था मिट्टी से पत्थर से बना सकते थे, तो ये क्या था आसानी से मिल जाया करती थी। ठीक है, और विलासिता की वस्तु में वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जिन्हें बनाना भी थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो आसानी से उपलब्ध भी ना हो, ना मिल पाए, जिन्हें बनाना भी कठिन हो, थोड़ी सी जो कॉस्टली होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं विलासिता की वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं को दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं इतिहासकार, एक सामान्य वस्तुएं और एक विलासिता की वस्तुएं। तो इन वस्तुओं में गाइस जो विलासिता की वस्तुएं बोल रहे हैं, जिन्हें बनाना थोड़ा आसान नहीं है, कठिन और जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इनमें गाइस जो फयांस है, फयांस को विलासिता की वस्तुएं माना जाता है। फयांस क्या है ये आपको मैं दिखा दूंगा। आपकी जो बुक में गाइस एक चित्र दे रखा है थोड़ा सा मटके टाइप में, अगर आप उसको देखोगे तो वही आपका गाइस एक फयांस का एक छोटा सा पात्र है। ठीक है, वो आप देख लेना। तो फयांस क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो फयांस जो होता है गाइस बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ होता है। क्या होता है उसे हम फयांस बोलते हैं। ठीक है, जो बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को जो पकाकर हम बनाते हैं पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं फयांस बोलते हैं। और इससे बने छोटे पात्रों को इसलिए कीमती माना जाता था क्योंकि इन्हें बनाना जो था थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, तो समझ गए फयांस क्या होता है कि रंग, चिपचिपे पदार्थ, बालू, इनसे मिलाकर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं फयांस बोलते हैं। और इन्हें हम कीमती क्यों मानते थे क्योंकि इन्हें बनाना थोड़ा कठिन था। अब ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, अभी लिख लो कि फयांस क्या होता है और इसे बनाना थोड़ा सा कठिन क्यों था या इसके छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जिन समाजों में इस तरह की वस्तुएं मिली है वहां की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, अपेक्षाकृत ऊंची रही होगी। सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति इन वस्तुओं का यूज करता होगा कहीं ना कहीं समाज में उसकी अच्छी स्थिति होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी ना जो है वो इस प्रकार की कॉस्टली चीजों को यूज कर पाता होगा। ठीक है, तो इन 2 चीजों से जो है भाई समाज में इतिहासकार जो है उस टाइम पीरियड में कोई सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी तो किस तरीके से थी तो उसका पता लगाते हैं। एक है आपका शवाधान, दूसरा है आपका विलासिता की वस्तुएं। तो ये आपको याद रखना है जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस अपना मन के बनाने वाले टॉपिक पे कि किस तरीके से जो था मन के बनाए जाते थे, जिनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के थोड़ा सा अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, आर्थिक व्यवस्था। तो शिल्प उत्पादन कार्य क्या होता है पहले आप ये समझिए कि शिल्प कार्य किसे बोलते हैं। तो मन के बनाना, मोहरे बनाना, शंख की कटाई तथा अन्य धातु का कार्य करना ही क्या कहलाता है गाइस, शिल्प कार्य कहलाता है। मान के चलो आप मोहर बना रहे हो, स्टैम्प बना रहे हो, ठीक है, कोई भी धातु का काम कर रहे हो XYZ, तो उसे हम गाइस क्या बोलते हैं शिल्प कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो मनके किस तरीके से बनते थे उसको जानने के लिए हमें पहले पदार्थ देखने पड़ेंगे, क्योंकि मनके बनाना भी किस में आता है शिल्प कार्य के अंदर आता है। ठीक है, तो मनके गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे आप जिन्हें नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो मालाएं बोलते हो, जो मोतियों वाली मालाएं होती है ना, जिन्हें हम रोजरी भी बोल देते हैं, तो उन्हें गाइस हम मनके बोलते हैं। ठीक है, तो ये गाइस जो होता था जेस्पर, सेलखड़ी, तांबा,
ठीक है, पत्थर, शंख, पकी मिट्टी, कार्नेलियन एक पदार्थ होता है, सफ्टिक भी एक पदार्थ होता है, कांसा तथा फ्यांत आदि से जो था इन मनकों को बनाया जाता था। ठीक है, तो कितने सारे पदार्थ जो था एक मनके को बनाने में इस टाइम के जो लोग थे वो यूज करते थे। और ये जो मनके होते थे गाइस बेलनाकार भी होते थे, गोलाकार भी होते थे, चक्राकार भी होते थे, खंडित भी होते थे, मतलब टूटे फूटे भी जो होते थे मनके बनाए जाते थे। आपकी बुक अगर आप खोल के देखोगे तो आपको मनकों के जो चित्र हैं वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें किस तरीके से बनाया जाता था तो ये विधि आप देख लीजिए। तो मनके बनाने की विधि क्या थी ये देख लीजिए। तो कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग के विभिन्न चरणों में पकाकर मनकों को प्राप्त किया जाता था। अरे ये तो समझ में नहीं आया, मुझे पता है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कार्नेलियन जो मैंने आपको बताया पदार्थ होता है कार्नेलियन, और पीले रंग का एक कच्चा माल लिया जाता है, दोनों को क्या करते हैं गाइस मिक्स करते हैं, आग के स्टेप होते हैं। ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। ठीक है, 1 स्टेप में डालोगे तो इतना अच्छे से पकेगा, दूसरे में डालोगे इतना अच्छे से पकेगा। इस तरीके से क्या होता था कार्नेलियन को और पीले रंग के, ठीक है, लाल रंग के कच्चे पदार्थ को क्या करते थे गाइस, ये आग के विभिन्न चरणों में पकाते थे, और उनको पकाने पर क्या बनता था मनका बन जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपकृष्ट आकारों में तोड़कर उन्हें शल्क निकालने के पश्चात अंतिम रूप दे दिया जाता था। ये क्या है भाई, ये तो हमें समझ में नहीं आया। अरे इसका मतलब ये है सिंपल सा कि मनके अगर मान के चलो बन गए, ठीक है, मनका तैयार हो गया, अब कहीं से मान के चलो मनका साइड में से उठा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है, कहीं से बहुत ज्यादा किनारा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, तो आसपास से गाइस जहां से वो बिगड़ा हुआ आता था, जहां से वो प्रॉपर शेप में नहीं होता था, तो इन्हीं को गाइस हम अपकृष्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को हम शल्क बोल रहे हैं, जहां से वो उठा हुआ है, जहां से वो दबा हुआ है, प्रॉपर आकार नहीं मिल पा रहा है, तो इन सारी चीजों को अगर जहां से वो उठा हुआ है तो उसको वहां से दबा दिया जाता था, जहां से दबाया तो उसको एक आकार मिलाते थे। इस तरीके से शल्क और अपकृष्ट आकारों में उनको तोड़ा जाता था। ठीक है, फिर उनको एक अंतिम रूप दिया जाता था। इस तरीके से एक प्रॉपर मनका बनता था जो देखने में भी एक अच्छा लगता था। ठीक है, फिर उनपे गाइस घिसाई की जाती थी, फिर पॉलिश करते थे, और छेद करने के बाद जो होता था गाइस मनके तैयार हो जाते थे, क्योंकि छेद नहीं करेंगे तो उसमें रस्सी कैसे डालेंगे, फिर माला कैसे बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो था मनके बनाए जाते थे। इस तरह चहुंदड़ो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट जो है शिल्पकार्य के महत्वपूर्ण केंद्र थे, और लेकिन चहुंदड़ो जो था इनमें सबसे मुख्य स्थल माना जाता है शिल्प उत्पादन केंद्र का। तो यहाँ पे आपको एक नंबर में थोड़ा सा याद रख लेना है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का सबसे मुख्य केंद्र कौन सा था, तो वो था गाइस आपका चहुंदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, मनके किस तरीके से बनाए जाते थे ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है यहाँ पे, कि वो जो होता था जैस्पर, सिलगड़ी, पत्थर, तांबा, मिट्टी, कार्नेलियन, इन सारे पदार्थों से बनाए जाते थे, जो बेलनाकार, चक्राकार इस तरीके से होते थे, और उनको बनाने की विधि क्या थी, तो ये 3 विधि थी। ठीक है, इस तरीके से आपको विधि उनकी बता देनी है। यहाँ से हम सेकेंड पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लेना। मोहनजोदड़ो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि गाइस डायरेक्टली उस पर 8 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और जल निकासी प्रणाली को और विशाल स्नानागार को लेकर भी है जो है उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को मेन पढ़ने का हमारा मेन मोटिव यही था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार, ताकि हम हड़प्पा सभ्यता की जो है गाइस नगर नियोजन प्रणाली को, नगर नियोजन पद्धति को गाइस हम जान पाए। ठीक है, तो वो हम जान चुके हैं किस तरीके से जो था वहां पे नगरों को बसाया जाता था, किस तरीके से शहरों का निर्माण किया गया था, किस तरीके से नालियां बनाई गई थी, किस तरीके से सड़कें बनाई गई थी, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी है तो गाइस कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दे करो, ताकि सोर्स स्टडी फैमिली जो है गाइस थोड़ी सी बढ़ सके। ठीक है, और मैं जो आपके लिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ, क्योंकि गाइस एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तो गाइस काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे गाइस अपने थर्ड पार्ट में, जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।